आज जैसे कि आपको पता है कि 30 जैन को, आज 30 जैन नहीं है वैसे तो, पर 30 जैन को मेरा बर्थडे है। 30 जैन को मेरा बर्थडे है। मम्मी ने पहले से ही बहुत सारे सरप्राइजेस ला के रखे हैं, उनमें से एक सरप्राइज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ और मैं सोची कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ इसकी अनबॉक्सिंग कि मम्मी पापा ने आखिरकार क्या गिफ्ट दिया है बर्थडे से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा गिफ्ट, पिंक पिंक। ओपन करते हैं, आते हैं। पिंक पिंक, अभी आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है इसमें, ये डिजाइन को देख के फटाफट से कीजिए क्योंकि मैं अभी खोलने वाली, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है आखिरकार इसके अंदर। चेक करते हैं। आउच, इसको फाड़ना पड़ेगा। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये तो है किचन सेट, मेरा फेवरेट किचन सेट। तो अभी इसको हम फटाफट से खोल लेते हैं। वाओ, पता नहीं मम्मी को पापा को कैसे पता चला, मैं इसके बारे में ही सोच रही थी। यहाँ देखिए किचन सेट हैंडल वाला, मेरे पास वैसे तो बहुत सारे किचन सेट है पर ये मेरा सबसे फेवरेट है। पता नहीं मम्मी पापा को कैसे पता चला कि मुझे ये चाहिए और उन्होंने ये ला के दिया मुझे। तो इसको खोल लेते हैं क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसके अंदर क्या निकलने वाला है। तो ये टेप है, इसको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। पिंक कलर मेरा फेवरेट है तो इसमें पिंक कलर बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए, तो ये वाओ, तो थैंक यू मम्मी पापा ये गिफ्ट देने के लिए, बहुत सुंदर गिफ्ट है। ये खोल लेते हैं हमारी। वाओ, ये देखिए आप कितना सुंदर है ना। इसको हम खोल लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो ये साइड से हमें मिला है स्टिकर्स, ये वही कुछ जोड़ने की चीजें हैं। हमारा किचन है। ओ वाओ, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिए, तो ये पैकेट्स को हम एक एक करके खोल लेते हैं सारे को, इसके अंदर निकाल लेते हैं सारे को। सबसे पहले कुकर से स्टार्ट करते हैं। कुकर है और पैन है। ये देखिए, ये हमारे पास दो कुकर है, एक कुकर और एक पैन, सॉरी एक पैन है और एक कुकर। इनकी दो ये लिड्स, ये किसकी और ये किसकी, ये बहुत ही क्यूट है, मतलब स्मॉल स्मॉल क्यूट। और ये कुछ प्लेट और थिंग रहा है हमारे पास, इसको भी हम खोल लेते हैं। सीजर से काटना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर हमें नाइफ, स्पून और फॉक मिली है तीन, और यहाँ पर और छोटे छोटे मिले हैं हमें। ये एक टाइप का स्पून है, इससे पराठा वो सब सेकते हैं। नाइफ और ये स्पून, ये टैप छोटा सा, ये आमलेट और ये फोक छोटा सा और एक, और इसको भी हम साइड में रखते हैं अभी। हाँ, अभी ये खोलेंगे हम, इसके अंदर क्या है देखते हैं। वाओ, इसके अंदर हमें दो छोटे छोटे से बॉटल्स मिली है, दो कप्स, ये कैबेज और ये कैरेट। और यहाँ पर इस पे जोड़ने की कुछ चीजें, तो इसको मैं आपको जोड़ के बता देती हूँ कैसे जोड़ता है, बाद में आपको दिखाती हूँ। तो ये इसका किचन है पूरा का, ये शायद से यहाँ रहेगा। दूसरा वाला यहाँ रहेगा और इसका ये शायद से यहाँ रहेगा। ये दोनों यहाँ रहेंगे। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर लिखा हुआ है इसको कैसे जोड़ना है। ठीक है, मैं सही जोड़ रही थी। अरे हाँ, इसमें भी है ये जो हमें ये चीज मिली है उसको खोल के हमें अपने किचन सिंक में लगाना है। मुझे पता ही नहीं था कि ये भी यूज आएगा, तो ये बाकी मिलने वाला एक्चुअली। और ये दो चीजों का हम काम करते हैं।
तो हमें तो इसको हम साइड में कर लेते हैं सबसे पहले सारी चीजों को, बाद में हम ये इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो ये ना पूरे सूटकेस ही है उसके अंदर किचन सेट है, सूटकेस है पूरा पकड़ने वाला। यहाँ पर एक हमारे लॉक भी है छोटा सा और इसको जॉइन करते हैं। तो ये कहाँ रहेगा तो ये अभी मैंने लगा लिया है। अभी इसके बाद आएगा हमारा ये सरप्राइज जो मुझे बैग में मिला था, मुझे पता ही नहीं था कि ये इसमें है। इसके अंदर हमें दो ये बुक्स मिले हैं, उसके अंदर हमें डालना है। डल गया। उसके बाद इसको हमें यहाँ लगाना है। तो ये मैंने सेट कर दिया है। इसके बाद हाँ ये हो गया कंप्लीट। अभी इस चीज इन चीजों को जचाना है हमें। तो यहाँ पर अरे हमने एक चीज तो लगाई नहीं, मैं भी ना मुझे अभी पता चला। पहले ये लगता है, उसके बाद में ये आएगा। तो ये मैंने जचा लिया है सही तरीके से, जो कि मैंने पहले गलत जचा लिया था। ये अभी सही हो गया है, सही जच गया है। अभी अभी इसमें हम ये सारी चीजें रखते हैं। पर सबसे पहले हमें स्टिकर लगाना पड़ेगा, उसके बिना तो ये अधूरा है। तो इसको स्टिकर को देखते हैं कहाँ क्या लगाना है हमें। तो हमें सबसे पहले गैस का स्टिकर लगाएंगे। अभी हम स्टिकर लगा लेते हैं। सबसे पहले हमारा गैस, अभी हम ये बेसिन का करेंगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने ये कंप्लीट कर दिया है, पर अभी हम चीजों पे लगा लेते हैं इसके। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अभी हम इसके सारी चीजों पे लगा देते हैं। तो ये दो मैंने ऑलरेडी लगा के रखा था सॉसेस का, वाइट वाला फ्रूट है और ये रेड वाला टोमेटो सॉस। इसको यहाँ रख देते हैं। स्पून्स हो गए हमारे, ये ऊपर का जो है हमारा वो भी हो गया। और अभी हम प्लेट्स पे लगाते हैं। प्लेट्स पे छोटे छोटे दो प्लेट्स है इस पे है, देखिए आप देख सकते हैं। तो अभी हम लगा देते हैं इस पे। मसाला लगेगा लगा दिया, दो स्टेप पे लगाती। दूसरा भी निकल गया, उसको भी लगाते। ये भी लग गया, प्लेट्स हो गए। नेक्स्ट हमारा पैन में नहीं होगा, ये ऑमलेट भी नहीं होगा, प्लेट भी नहीं। कुकर, कुकर पे आ सकता है। हाँ कुकर पे है ये वाला। देखिए ये बहुत ही अच्छे स्टिकर्स है, सुंदर है। ये लगा लेते हैं।
तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, लाइन दिया है, उसके अंदर आप आराम से लगा सकते हैं ठीक से। इसमें क्या आपको ऑन करना है, तो ये थोड़ा बारीक ऐसे लगने लगा, ये हो गया। और दूसरा हम किचन का लगा देते हैं, हमारी फॉक पे। वहां पर एक चीज मिस हो गई हमसे, पूरा लगाने के बाद ही बचा, तो अभी हमें पता चला कि मुझे पता चला कि ये तो बाकी है, तो इसको भी। तो ये हमने स्टिकर लगा लिया है, अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए सुंदर सा किचन सेट हमारा रेडी हो गया है। अभी हम सारी चीजों को हम डाल, अभी हम इन सारे चीजों को इसके ऊपर असेंबल कर लेते हैं, बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा इसका लुक आता है। तो मुझे इसका ये लुक बहुत अच्छा लगा और मुझे ये सरप्राइज भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मम्मी ने ये बिल्कुल ही, मम्मी पापा ने बिल्कुल ही पहले मेरे बर्थडे के दिया है, पर ये बर्थडे वाला गिफ्ट है बहुत ही ज्यादा सुंदर और अच्छा है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। तो अभी मुझे इसके साथ खेलना है, तो मैं इस वीडियो को अभी एंड कर देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।